मेरा नाम है मनोज मधुकर चौधरी। जो केले की फसल है ये पूरे एक साल के ऊपर लगता है इसको पकने में। पानी और खाद बहुत ज़्यादा लगता है, हमें बहुत रिस्क लेना पड़ती है इस फसल के लिए। पहले खाद 500-600 रुपए बोली पोटाश की मिलती थी, आज 2022 में मिलने को तैयार नहीं है। यूरिया के लिए लाइनें लगाना पड़ रही है, यहाँ का किसान मोहताज हो गया है। बहुत सी दिक्कतें आने लगी है हमको केले में। ऐसी परिस्थिति में सरकार हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। सरकार किसान फसल बीमा जो योजना बोल रही है, लेकिन हमारे केले का कोई बीमा ही नहीं कर रही है। सब अधिकारियों की और बड़े बड़े व्यापारियों की मिलीभगत हो गई है और किसान इधर परेशान होते जा रहा है। इस फसल में इतना हमको नुकसान उठाना पड़ता है, कभी कभी इसमें वायरस की बीमारी आती है इस पौधे में, और मुआवजा आज तक हमको कुछ भी नहीं मिला। आज तक सरकार ने समर्थन मूल्य MSP पे कोई फसल का ये नहीं दिया किसानों को। किसानों के पास जब भी कुछ माल आता है ना, तो बाहर एक्सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। किसान के पास से जब माल चले जाता है तो बड़े बड़े उद्योगपति के पास जाने के बाद फिर रेट बढ़ाते हैं, जिससे किसानों को फसल का दाम ही नहीं मिल पा रहा है। सरकार किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन राहुल गांधी हमेशा जहाँ पर भी जा रहा है किसानों की बात उठा रहे हैं। इस देश के किसान दिन भर तपस्या करते हैं, मगर आज वो मर जाए पिस जाए 24 घंटा काम करे, उसे तपस्या का फल नहीं मिलता। किसानों को कोई सपोर्ट, उसको सही दाम नहीं मिलता। वो बीमा भरता है, जब आंधी आती है तूफान आता है, उसको पैसा नहीं मिलता, कर्जा माफ उसका कभी नहीं होता। इसलिए हम राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे।